समाचार उठी हो। पूरे नीमच शहर में माताएं बहनें स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बढ़ चढ़कर आ रहे बिजली बिलों से परेशान हैं। एक व्यक्ति शिकायत करे तो अलग बात है, पर हर व्यक्ति स्मार्ट मीटर के बिलों की शिकायत लेकर खुद आगे आ रहे हैं। विडंबना है कि आज भी बिजली कंपनी के अधिकारी स्मार्ट मीटर के गुणगान में लगे हैं, जबकि यह घर बर्बाद कर रहा है। स्मार्ट मीटर के आतंक के विरोध में जन आंदोलन में आप भी आगे आए। स्मार्ट मीटर के कहर का वीडियो नंबर 10। साथियों, स्मार्ट मीटर का कहर जो नीमच में बरस रहा है, वो आज हम यहाँ पर स्कीम नंबर 7 जो नई आबादी है वार्ड नंबर 23 में आए हैं। माताएं बहनों और भाई भी आपके साथ खड़े हैं। आप इनकी ये सब मजदूर के ही काम करते हैं और इनकी खुद इनकी जुबानी सुनिए कि स्मार्ट मीटर से ये लोग कितना परेशान है। आप बताओ भैया, पूछो, सबसे पूछो आप। हमारा पहले आता था 300-400 रुपये बिल, अभी आया हमारे इस महीने का 5,668 रुपये। तो हम मतलब कैसे क्या करेंगे हम, अभी ऐसे नया मीटर लग के आया तो उसमें क्या होगा हमारा? हमारा आता था 400 रुपये का और अभी आया 2500 रुपये का बिल। अपना बताओ सर। हमारे पहले आता था 200 रुपये का, जब से नया मीटर लग रहा है अगले महीने इसको 2100 रुपये का भरा और ये सर इस महीने का आया पूरा 3200 रुपये। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अफजल। आप बताओ दीदी। मेरा 200 रुपये महीने का बिल आता था और अभी अगले महीने 1400 रुपये का बिल आया है, उससे पहले भी 1000 के आसपास। आपका नाम? आपको बताओ। 2000 रुपये महीने का, क्या बोले, 200 रुपये महीने का बिल आता था, अभी 2 महीने के बाकी 3500 का बिल आया। आपका? मेरे 6000 रुपये बिल आया, अभी हम 6000 भर के बैठे हैं, पहले 200-300 रुपये आते थे। आपका बताओ दीदी। हमारा तो 100 रुपये आता था, अभी 3000 रुपये का बिल आ रहा है। हाँ। आपका? हाँ, हमारे को बताया। हमारा ही वो है ना, 3-4 आते थे, जब यहाँ 3-4 हजार आ रहा है बिल। क्या नाम है आपका? नाम मेरा दुर्गा भाई। दुर्गा भाई। आपका दीदी? 1700 का आया, हमारे यहाँ 200 का। 200 का पहले आता था, अभी 1700 का आया है। तो ये जो बस्ती है, ये इसमें आप देखिए कि ऐसी नीमच में कोई एक बस्ती नहीं बची जहाँ पर स्मार्ट मीटर के बिल ज्यादा नहीं आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारी अधिकारी जवाब देने को तैयार है नहीं और सीधा बिल जमा नहीं हो रहा, उनकी लाइट काट रहे हैं। ये एक अत्याचार जो मध्य प्रदेश शासन जो सब पे कर रहा है। हमने इसकी लड़ाई में हम लोगों ने अभियान शुरू किया है, इसको जन आंदोलन बनाएंगे और इसके लिए कलेक्टर से मिलेंगे जाके और बोलेंगे कि आखिर ऐसा क्या जादू है नए मीटर स्मार्ट मीटर में जो आम आदमी का घर तबाह कर रहा है। एक मजदूरी करने वाले का आदमी का बिल अगर 2000 रुपये, ये झाड़ू पोछे काम करते हैं, कोई मंडी में अमाली करते हैं, इसके बिल इतने आने थे, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जाँच का विषय है। धन्यवाद। पहले कितने का आता था? 300 तक का आता। और आपका? हमारे तो 100 रुपये भी नहीं आता था भैया, 1300 का आया। हाँ, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर, मजदूरी करते हैं, बच्चे बच्चे जाते हैं कि बच्चों का पेट भरा है, हम बिल भरे हमारा। क्या कर लहसन खिलते, लहसन 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। आप क्या करते हो? हमारे बच्चे मजदूर हैं, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते हैं, तो माई भी नहीं देते, इतना बिल कहाँ से भरेंगे हम लोग? बच्चे बच्चे का पेट भरेंगे कि बीमारी का करेंगे? आपका नाम क्या? आपका सुंदर भाई नाम है, एकता का मंदिर रहती हूँ मैं। कितना बिल आया? और पहले कितने का आता था? पहले तो 200 रुपए भी आ जाते, 100 भी आ जाते। और घर में क्या क्या है? कुछ भी नहीं है, खाली ट्यूबलाइट, टीवी चलती है बस। इसमें 1700 का बिल आया।